एक बार फिर से मैं आप सबको तिरुपति बालाजी का दर्शन करवाने वाली हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्चना झा चौधरीज ब्लॉग। आज मैं आप सबको तिरुपति बालाजी का पार्ट 3 दिखाने वाली हूँ। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पापा कहाँ गए? ये पकड़ो और आप लोग जाओ। तो गाइस यहाँ देख सकते हैं, हम लोग लगेज चेकिंग के लिए उतरे हैं यहाँ पर। यहाँ पर लगेज चेकिंग होगी। हम लोग तिरुपति बालाजी में एंट्री कर चुके हैं और यहाँ से शुरू होता है इसका फर्स्ट चेकिंग। तो यहाँ पर हम फर्स्ट चेकिंग के लिए रुके हुए हैं। यहाँ से लेडीज क्यू अलग हो गया है, बैग्स चेक करवा के आ चुके हैं और यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं। लगेज बैग चेक करवाने के बाद आप सबको दोबारा से गाड़ी में बैठना होता है और अब हम अपने गाड़ी में बैठकर आगे निकलेंगे। लगेज चेकिंग के बाद हम आगे निकलते हैं और थोड़े आगे जाने के बाद हमें एक रेस्टोरेंट दिखा, तो हम लोग यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। अभी हम यहाँ पर ब्रेकफास्ट के लिए रुके हुए हैं। तो ये जगह कितना खूबसूरत है, तिरुपति प्लेस, बहुत ब्यूटीफुल प्लेस। चलिए गाइस पहले ब्रेकफास्ट कुछ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। अब हम तिरुमला की तरफ जा रहे हैं। अभी हमने टोल क्रॉस किया है जहाँ सिक्योरिटी चेकिंग हुई है। यहाँ से 24 किलोमीटर है। बहुत दिन बाद पहाड़ के दर्शन को हो रहे हैं। अब पहाड़ में जितने के लाइक चीज़ है पहाड़ अपन नहीं है। हाँ, तो बाद और सब बहुत सुंदर चीज़ वन वे ची जगह की कोई चीज़ है। वन वे ची तिरुमला पहुंचने के बाद बस हो चाहे टैक्सी हो आपको यहीं पे उतारेगा। यहाँ पर बहुत सारे सदन हैं, तो किसी भी सदन में जाकर आपको अपना सामान रख देना है। वहाँ पर नहाने का भी व्यवस्था होता है, तो आप नहाएं भी। और इसके बाद जो आपके बैग है, कैमरा है या कोई ऐसा कीमती वस्तु होता है, जो मोबाइल होता है, ऐसी चीज़ों को लॉकर में रख कर ही आप दर्शन के लिए जा सकते हैं। बात बात
एक सदन के अंदर कई सारे हॉल होता है, तो मैं हम एक हॉल में पहुंच चुके हैं और यहीं पर जो है हम इनसे बात कर रहे हैं कि चार लोगों पर हमारे पास चार बैग है, तो चार लॉकर हमें मिलेगा और लॉकर इतना बड़ा होता है कि आप इसके अंदर बड़ा बड़ा बैग रख सकते हैं। तो गाइस देख सकते हैं नहाने के बाद सभी यहाँ पे बैठे हैं और सभी अपने अपने लॉकर में अपने अपने बैग रखने जा रहे हैं। हम लोग भी नहा चुके हैं, तैयार हो चुके हैं। चलो, नहाने धोने के बाद हम लोग दर्शन के लिए निकल चुके हैं। तो यहाँ से पैदल ही रास्ता होता है, लगभग 500 मीटर की दूरी पर मंदिर है, तो यहाँ से पैदल घूमते हुए जाए। इसके नीचे जहाँ पे वो मेहराब ऐसा बना हुआ है। अगर आपको दर्शन करना है तो दर्शन वाले क्यू में लगना है, तो यहीं पे आके आप किसी से पूछ ले कि क्यू कहाँ से लगती है। और गाइज हम लोग जो हैं दिन के 2 बजे क्यू में लगे थे और रात को 3 बजे हमारा नंबर आया था। इतने देर हम हॉल में बैठे रहे, बीच बीच में हमें खाने के लिए प्रसाद के रूप में खिचड़ी 2-3 बार मिला और इसी में जो हमारा दिन के 2 बजे से लेकर रात के 3 बजे तक हम वहीं 1 से 2 हॉल में बैठे रहे। और इसके बाद हमारा गेट खोला गया। गेट खोलने के बाद काफ़ी लंबा हमें चलना पड़ा, यानी कि 3 बजे हमारा गेट खुला और 4 बजे करीब हमारा दर्शन हुआ। तो तिरुपति बालाजी का दर्शन हमें सुबह 4 बजे हुआ। तिरुपति बालाजी जो है काले रंग का पत्थर है और जो रूम उनका जो जिसमें भगवान हैं वो रूम एक छोटा सा रूम कमरा है और उसमें चारों तरफ ब्लैक कलर का ही पत्थर लगा हुआ है। भगवान के नीचे एक छोटा सा दीपक जलता है जिसे आपको अच्छी तरह से दिखाई भी नहीं देता क्योंकि भगवान खुद भी काले हैं और रूम में जो पत्थर लगा हुआ है वो भी काला है, रोशनी भी बहुत कम होती है। तो आप जब जाएं दर्शन के लिए तो ध्यान पूर्वक मतलब अपनी आंखें फाड़ फाड़ कर उन्हें देखने की कोशिश करें, तभी आपको दिखाई देगी। भीड़ इतनी होती है कि ज़्यादा देर आपको रुकने नहीं दिया जाता है। तो मैं जब दर्शन के लिए गई थी तो इससे पहले मेरी मम्मी ने मुझे बता दिया था, थोड़े दिन पहले की बात है, कि मेरी मम्मी पापा भी वहाँ से दर्शन करके आए हैं, तो उन्होंने सेम सिचुएशन फेस किया, तो उन्होंने मुझे पहले ही बता दिया था कि अच्छी तरह से आंखें फाड़ फाड़ कर देखना उनको, तभी दिखाई देंगे। तो सुबह का टाइम होता है तो वैसे ही अंधेरा होता है, भगवान भी काले रंग के हैं और उनका जो रूम है वो भी काले पत्थर से उनके रूम में भी काला पत्थर लगा हुआ है, छोटा सा एक दीपक जलता है, रोशनी मतलब बहुत कम होती है। तो ध्यान पूर्वक उनका दर्शन करें और आशीर्वाद करें, आशीर्वाद लें, उनके प्रतिमा को अपने मन में बिठा लें, उनके प्रतिमा को हमेशा के लिए अपने मन में बिठा लें। ये है लड्डू काउंटर, यहाँ पर आपको पर हेड 1 लड्डू मंदिर की तरफ से फ्री में मिलता है और अगर आपको इसे ज़्यादा चाहिए तो 50 रुपीज़ का 1 लड्डू मिलता है, तो आप खरीद सकते हैं। देख सकते हैं कितनी अच्छी खुशबू आ रही है और कितना अच्छा ये सभी लाइन है, क्यू में सभी लगे हुए होते हैं और उसके बाद जो है सभी
सीआरओ मैडम ठीक लिए तो टिकट को ले लिए तो अब उठबे क्या छी हाथ से दर्शन हमारा हो चुका है। कैमरा ले जाना अलाउ नहीं होता है इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पा रही हूँ। दर्शन के बाद हम लोग वहाँ पर 2 दिन रहे और इसके बाद जो है आज हम लोग वापस अपने घर के लिए बस लेने आए हैं। तो गाइज इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली तक शेयर जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। सामान ले ले।